अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अतहर है, मैं कोलकाता से हूँ। मेरा एक मसला ये है कि मेरा एक रिश्ता आया था और लड़की नेक और परहेजगार है, इसमें कोई शक नहीं है। लोगों से हमने पूछा भी, लोगों से तहकीकात भी की, तो सब कुछ लड़की के बारे में पॉजिटिव रिपोर्ट ही आया है। बट मसला ये है कि एक औरत ने कहा कि उसकी माँ का 10-15 साल पहले उसकी माँ का शायद कोई गैर कौम से नाजायज रिश्ता था, और उस औरत से हमने पूरा तहकीकात किया तो उस औरत ने अपने बच्चे का कसम उसम लगा के खाया, और उन्होंने कहा कि हमने अपने आँखों से देखा। तो क्या हम उस औरत के बातों पे विश्वास कर लें या ना विश्वास करके उस लड़की से निकाह कर लें? अगर इस पे कोई मसला है तो हमें जवाब दें, और या हम चार गवाह की तरफ जाएं। अगर इस्लाम में तो ये मसला है कि चार गवाह चाहिए अगर जिना करते हुए किसी को देखा गया है तो इसमें बड़ा मेहरबानी इस मसला का हल करें। और मैं बहुत परेशान हूँ इस बात का, जो है मेरे पूरी फैमिली को बता दी है वो औरत, मेरी पूरी फैमिली भी खिलाफ़ है, लेकिन लड़की गरीब घर से है और लड़की को हम पसंद भी करते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा परेशान हैं। आप मुझे इस मसले का कोई हल बताएं। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब का सवाल यह है कि ये असल में किसी लड़की को पसंद करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं, और किसी ने इनसे कह दिया है कि लड़की में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लड़की की जो माँ है उसके ताल्लुकात थे किसी गैर के साथ, वल्लाह आलम वो कौन से लोग थे। अब ये साहब इंक्वायरी करने के लिए भी गए, उसकी माँ से बातचीत किया, और माँ ने बच्चे की कसम खा के कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि क्या यहाँ पे क्या की जाए, कैसे इन्वेस्टिगेशन की जाए, चार गवाह लाए जाए, क्या किया जाए? तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे भाई, कि अगर किसी के बारे में किसी ने कुछ उड़ा दिया है तो जिसके बारे में उड़ाया है उससे पूछताछ नहीं करनी चाहिए आपको, बल्कि जिसने उड़ाया है उसको पकड़ के पूछना चाहिए। अभी आपके ताल्लुक से कोई कहते आप चोर हो तो मैं जाके आपसे पूछूं कि भैया वाकई आपने चोरी की है, तो ये मुनासिब नहीं है। इल्ला कि आपका कोई करीबी हो, लड़का हो, आपकी बेटी हो, आपस का मसला हो, तो चलो बुला के पूछें तो उतना बुरा नहीं लगता है, लेकिन बाहर का आदमी आके पूछे तो ये चीज़ मुनासिब नहीं है। क्योंकि असलन उसकी ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि अपने आप को अपनी बारात का सबूत दे, असल ज़िम्मेदारी उस शख्स की है जो इल्ज़ाम लगा रहा है। हमारे यहाँ ये बदअखलाकी बहुत आम है कि कहीं से भी कोई अफवाह उड़ी किसी के बारे में, पट से उसको कॉल करके पूछेंगे आपने ऐसा किया, तो ये बहुत ही बदतमीज़ी वाली बात है। जिसने अफवाह उड़ाई है, जिसने बात की, उसको पकड़ के पूछें क्या प्रूफ, अगर प्रूफ दे तो ठीक है, नहीं तो वहीं दफन कर दो उसको। लेकिन जो मुलजिम है, जिस पर इल्ज़ाम लगा जा रहा है, जो मुत्तहम जिसको किया जा रहा है, उससे बातचीत नहीं करना चाहिए, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ आप समझें पहले कि अगर किसी को मुत्तहम किया जा रहा है, किसी पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो डायरेक्ट पहले उससे कोई पूछताछ ना करें। जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं, जो तोहमत रखने वाले हैं, उनको पकड़ के उनसे गवाह तलब करें। अगर वो कोई सबूत देते हैं ठीक है, नहीं तो वो उनकी अफवाह उन्हीं के मुँह पर मार दें, किसी को डिस्टर्ब ना करें। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि उनसे पूछा तो उन्होंने बच्चे की कसम खाया, तो ये तो बहुत बड़ा मसला है। बच्चे की कसम क्यों खाया भाई? आप जाके उनको समझाएं कि बच्चे की कसम खाना इस्लाम में जायज़ नहीं है। इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाना जायज़ नहीं है। इससे पता चलता है कि मतलब उनकी इल्मी तरबियत, दीनी तरबियत कितनी है। अगर कोई औरत अपने बच्चे की कसम खा के बात कर रही है तो समझ में आता है कि कितनी दीनी तरबियत हो सकती है। तो उन्हें सिखाने की ज़रूरत है कि बच्चे की कसम नहीं खाना चाहिए। बहरहाल आपने गलती की पूछ के, कोई इल्ज़ाम लगा रहा है उससे पूछना चाहिए, ना कि उसको जाके पूछें। आप पूछ के क्या मिलने वाला है? वो औरत ना बोले आप करें बच्चे की कसम खा रही, ना करने के बाद भी आपको इनके की नहीं हो रहा तो पूछ के फ़ायदा क्या? आपको जब नहीं एतबार है किसी पे तो पूछ के मतलब क्या बना? तो पूछने का कोई सवाल ही नहीं, मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं है। और दूसरी बात यह है, ये जो बच्चे की कसम उन्होंने खाई है ये ठीक नहीं है। और अगर साबित नहीं होता है, यानी कोई कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई पुख्ता सबूत नहीं है तो हमें किसी को मुत्तहम नहीं करना चाहिए, हमें किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। और आप बाकी आपकी मर्ज़ी है, शादी करें या ना करें, आपको इत्मीनान है तो करें, नहीं इत्मीनान है तो ना करें, वो आपकी मर्ज़ी। कोई ऐसा तो है नहीं, क्योंकि रिश्ता आ गया तो ज़रूरी है। अलबत्ता ये जो आपने कहा कि लड़की को पसंद करता हूँ, अब इस पसंद के पीछे कितनी कहानियाँ हैं अल्लाह ही बेहतर जानता है। मतलब कोई रिश्ता लेकर आया आपके सामने, आपको पसंद दिया, कोई और मामला है तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अगर कोई और मामला है, जैसा कि आजकल होता है कि लड़का लड़की एक दूसरे के ताल्लुक में होते हैं, बातचीत करते हैं, तो ये खुद हराम तरीके से एक प्रोसेस हुआ। सबसे पहले इससे तौबा करने की ज़रूरत है। अगर तौबा नहीं किए, आपस में कोई बड़ा मामला हुआ, तो फिर वो निकाह ही जायज़ नहीं है। इसलिए अगर कोई मामला है तो यहाँ पे तौबा करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक बात और आपने पूछी है कि क्या यहाँ पे चार गवाह लाए? अरे भाई, आपको हद जारी करनी है, किसी को रजम करना है, किसी को सज़ा मौत देनी है, आप काजी हैं, चार गवाह लेकर आएंगे? क्यों आप चार गवाह लेकर आएंगे?
जो आदमी इल्ज़ाम लगा रहा है वो अकेला है, उससे आप पूछें इल्ज़ाम लगा रहा, वहाँ आप जाके कह सकते हैं कि भाई एक आदमी की बात नहीं मानी जाती है, क्या कोई और है? तो आप सिर्फ जो है बात की तस्दीक वगैरह की हद तक जो है अगर कोई इल्ज़ाम लगा रहा है तो उससे पूछ सकते हैं और कौन कौन इस मैटर में, तो कम से कम चार आदमी बोलता है तो कोई उसका कोई वजन होता है, एक आदमी बोल रहा है उसको आपको रिजेक्ट करना चाहिए। लेकिन ये चार गवाह को कलेक्ट करके हाजिर करना, ढूंढना, तलाश करना, ये अदालतों का काम है। यहाँ पे कोई जो है इस्लामी कानून नहीं नाफिज होने जा रहा है, इसलिए एक बंदे ने बोला उसको वहीं पे रफा दफा करें, ख़त्म करें, उसको डांट डपट के मामला ख़त्म करें। तो बहरहाल इस तरह की जो तोहमतें होती हैं आमतौर से ये चार गवाह वगैरह नहीं होते हैं, तोहमत लगा दिया किसी ने कहीं रिश्ता होने जा रहा है और पीछे से किसी ने आके खोद दिया, तो कुछ लोग रिश्ता ख़राब करने वाले भी होते हैं, इसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये भी देखना चाहिए कि कोई दुश्मन तो नहीं है जो बिला वजह किसी को बदनाम कर रहा है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें देखने के बाद अगर आपको इत्मीनान है, यानी अगर आपने कोई गुनाह नहीं किया है, आप हक बजानिब हैं, आपने कोई गुनाह किया सबसे पहले, तो आपको तौबा करने की ज़रूरत है, लड़की को तौबा करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप लोगों का मामला ठीक है, तो ये इनकी माँ का जो मसला है इसके ताल्लुक से कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता है तो कोई मसला नहीं। और सबूत मिल भी गया, मान लो बदकारी किया भी था उन्होंने, अगर तौबा कर लिया तो भी मामला ख़त्म है, तो भी आप शादी कर सकते हैं। अगर तौबा कर लिया है, मामला ख़त्म हो गया, 10 साल हो गया, मामला ख़त्म हो गया, तायब हो चुकी हैं, तब भी कोई मसला नहीं है। तो बहरहाल ये चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, इसकी रोशनी में आप समझ सकते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और सबसे बेस्ट तो ये होता है, बेहतर तो ये होता है कि इस तरह के मामलों में आप के जो लोकल आलिम हैं जहाँ आप रहते हैं वहाँ के किसी आलिम से मिल के राय मशवरा करके कोई कदम उठाएँ, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। उम्मीद है कि बातें आपके लिए वाज़ह होंगी।